morning everyone, today in this class we are going to discuss our first poem, A House, A Home for 6th class. ठीक है, A House mean क्या होता है? मकान, मकान, और home क्या है? घर. So let's start. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner then read the poem. तो ये पोएम को किसके द्वारा लिखी गई है? लोरेन एम हार्डी. लोरेन एम हार्डी. लोरेन एम हॉल. ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? लोरेन एम हॉल के द्वारा ये पोएम लिखी गई है. एंड तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो मकान होता है, जो घर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या डिस्क्रिप्शन होती है? देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? भी एक मकान और घर के अंदर क्या अंतर होता है? डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर से इसको डिस्कस करें एंड देन यू द पॉइंट ऑफ द ब्रीफ को मतलब पॉइंट को रीड करें. What is a house? Let's start. निकाल लें मेरे साथ पढ़ें. What is a house? एक मकान क्या होता है? मकान क्या होता है? It's brick and stone and wood that's hard. मतलब ये किससे बना हुआ होता है? ये ईंट से बना हुआ होता है, ये पत्थर से बना हुआ होता है एंड वुड और लकड़ी से बना हुआ होता है जो कि क्या होती है? हार्ड होती है. ठीक है, मतलब कि यह ब्रिक से, स्टोन से और हार्डवुड से बना हुआ होता है. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार, और इसमें कुछ खिड़कियों के कांच होते हैं, मतलब कुछ खिड़कियां होती हैं कांच वाली एंड परहैप्स अ यार, और शायद इसका एक आंगन होता है. इट इज ईव्स एंड चिमनीज. ईव्स का मतलब होता है रोशनदान. ठीक है, एंड चिमनीज क्या हुआ? चिमनी. ठीक है, जिसके रोशनदार चिमनियां होती हैं एंड टाइल फ्लोर्स, और जिसमें टाइल वाला फर्श होता है एंड स्टूको एंड रूफ, जिसमें फर्श होता मतलब फर्श होता है और रूफ होती है डोर्स ऑफ डोर्स, जिसमें काफी सारे दरवाजे होते हैं. तो ये हमें पता चला कि एक हाउस क्या होता है. ये हाउस क्या होता है? जिसके अंदर जो ब्रिक और स्टोन से बना हुआ हो, जो रूफ हार्डवुड से बना हुआ हो, जिसके अंदर क्या हो? विंडो हो. ठीक है, जिसके अंदर यार्ड हो और जिसके अंदर ईव्स और चिमनीज हो, टाइल फ्लोर्स लगा हुआ हो, जिसके अंदर स्टूको रूफ हो एंड डोर्स ऑफ डोर्स हो, तो क्या होता है? एक हाउस होता है, एक मकान होता है. बट व्हाट इज द स्पेशलिटी और डिस्क्रिप्शन ऑफ होम? लेट्स रीड. व्हाट इज अ होम? घर क्या होता है? इट इज लविंग एंड फ्रेंडली एंड डूइंग फॉर अदर्स. मतलब ये क्या होता है? ये एक ऐसा घर जिसके अंदर सभी मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, वो प्यार से रहते हैं. ठीक है, और एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं. इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर एंड मदर्स. इसके अंदर भाई बहन, पापा मम्मी, ठीक है, पिता और माता होते हैं. इट इज अनसेल्फिश सेक्स. घर के अंदर क्या होता है? घर में जो भी हम काम करते हैं वो हमारे अनसेल्फिश होते हैं, निस्वार्थ भाव के काम करते हैं, जैसे मम्मी हमारे लिए डेली काम करती रहती है. ठीक है, सारा दिन काम करती रहती है, तो क्या है? अनसेल्फिश. एंड काइंडली शेयर, और हम एक दूसरे से अपने जो सुख दुख होते हैं वो बांटते हैं. एंड शोइंग योर लव वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और अपना जो प्यार है एक दूसरे के प्रति हम प्रदर्शित करते हैं और ये शो करते हैं कि हम एक दूसरे की परवाह करते हैं. ठीक है, भी जब हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, दूसरे से अपने सुख दुख शेयर करते हैं, ठीक है, तभी हम निस्वार्थ भाव से काम करें तो हम कहाँ मानेंगे कि हम एक होम में रहते हैं. ठीक है, तो ये पोएम है जो बिल्कुल सिंपल सी पोएम है और एक डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग हम डिस्कस करेंगे एंड देन इसके हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो
तो इसके वर्ड मीनिंग सबसे पहले क्या है, फिर बलि क्या होता है कि बलि क्या होता है कि ठीक है, एंड ईव्स गोशन का चिमनी चिमनियों को ही कहते हैं। स्टोको क्या होता है, स्टोको होता है पस, स्टोको क्या होता है पस। लविंग क्या होता है, लविंग या अनसेल्फिश, शेयरिंग, सिंपल से ही वर्ड है, ज्यादा टिपिकल नहीं है कि हम ये सोचें कि ज्यादा टिपिकल वर्ड है, बिल्कुल सिंपल, जैसे फ्लोर है, रूम्स है, डॉग्स, हम ये अक्सर यूज करते हैं, ठीक है, मतलब कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग आपने कर दिए, ये रहेंगे आपके होमवर्क के रूप में, ठीक है, राइट एंड ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, and have a good day.